हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद वर्मा आज आपका फिर से ज्ञान क्लब में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको अब तक एक अलजेब्रा का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया है। अब मैं अपना दूसरा एडवांस का चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री है स्टार्ट करवाने वाला हूँ। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। इसका मीनिंग होता है, एक तो होता है ट्रिगो, एक होता है मेट्री, इन दोनों का मीनिंग होता है ट्रेंगल, और इसका मीनिंग होता है मेजर करना। तो आज दोस्तों मैं इसको आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक बताऊंगा कि इसके बेसिक है वो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, जो हमारे हर टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री में से 10 क्वेश्चन आएंगे। श्योर है इस बात का? अब तक 10 आते रहे हैं और 10 ही आएंगे। 10 क्वेश्चनों में से जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स होते हैं। 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर आप 180 जा रहे हैं तो ये आपको 160 भी ला सकता है, और अगर 160 जा रहे हैं तो आप 180 पा सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है इसका एसएससी ट्रिग्नोमेट्री का, एसएससी मेंस के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आप 20 में से 20 मार्क्स ऑब्टेन करें। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें वैल्यू पुट मेथड और जो इसके फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ये यूज़ होते हैं और किस तरह आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट में दोस्तों सबसे पहले ये देखिए, एक ट्रेंगल है बी ए और सी, जिसमें हमारा एक एंगल 90 डिग्री का है। अब एक एंगल 90 डिग्री का है दोस्तों, हम जानते हैं कि ट्रेंगल के सभी एंगल का योग 180 डिग्री होता है। एक 90 हो गया, तो यानी कि ए प्लस सी है वो कितना बचा? 90 बचा। अब मैं इसे थीटा नाम दे दूं, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यहाँ तक समझ में है आपको? अब एक चीज़ मेरे को ये देखिए कि ट्रिग्नोमेट्री के जो कुछ रेशोज होते हैं वो रेशोज कहाँ से आए हैं, उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ अभी। देखिए, जब हम इसकी साइडों के बीच में एक कोई रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे उससे वो रेशियोज आते हैं, और वो रेशियोज हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ होते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूरे रेशियोज यूज़ होते हैं, तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि हमें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, और याद करनी पड़ेगी तो इसलिए क्या है कि हम इसे समझेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। देखिए, जो एंगल मैंने थीटा माना है उसके सामने जो साइड है, बिल्कुल सामने साइड है, उसे हम कहते हैं लंब। इसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के एंगल के सामने साइड है उसे हम बोलते हैं करण, यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है, और जिसके साथ ये एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं हम आधार, इसे बोलते हैं हम बेस। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रेंगल को हम टिल्ट करते हैं, यानी कि घुमाते हैं। ये ट्रेंगल बी, एंगल बी है 90 डिग्री का, ये ए है हमारा और ये सी है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अल्फा मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो एंगल हमने माना है उसके सामने जो साइड है बिल्कुल, उसको हम लंब बोलेंगे, जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। और ये 90 के सामने, इसे करण यानी कि हाइपोटेनियस, और जिसके साथ ये एंगल बन रहा है उसे हम आधार यानी कि बेस। अब आपके मन में एक डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर, आपने पहले तो इसमें तो कहा था कि लंब ये है, और अब आप कह रहे हैं कि अब ए बी लंब है, पहले कह रहे थे अब बी सी लंब है। तो इसका देखिए कि पहले हम एंगल कौन सा ले रहे थे, ए एंगल ले रहे थे, ए एंगल, ए साइड वाला। इसके सामने जो साइड होगी वो हमेशा लंब कहलाएगी, और जो एंगल ले रहे हैं हम उसके सामने जो साइड होगी वो लंब कहलाएगी। मेन चीज़ तो हमारी ये है ना, हम पॉइंट पे नहीं जा रहे, हम एंगल की बात कर रहे हैं। जो एंगल हम ले रहे हैं उसके सामने की साइड लंब कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना कि कौन सी साइड आधार है कौन सी लंब है, क्योंकि इस साइड में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए इस चीज़ को कि जो एंगल हम लेंगे ना उसके सामने की साइड होगी वो लंब कहलाएगी,
और उस जिससे साथ वो एंगल बना रहा है वो आधार कहलाएगा हमारा। अब बात करते हैं रेशियोज की। रेशियोज में सबसे पहले हम देखिए ये साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? लंब अपोन में करण, इसे हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? बी सी। अपोन में क्या हो जाएगा? ए सी। ये साइडें आ गई हमारी, ठीक है। पहला ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है हमारा साइन थीटा, जो हमें याद करना ही है। अगर हम इसे याद करके चलेंगे ना तो हमारा आधा से ज़्यादा जो चीज़ है वो चीज़ सोल्व होती रहेगी हमारी। जो दूसरी चीज़ है हमारी वो है कोस थीटा। वो बराबर क्या होता है हमारा? आधार अपोन में करण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वो बराबर किसके? हमारा ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है। दूसरा रूल। अब बात करते हैं हम तीसरे रेशियो की। तीसरा जो हमारा रेशियो है वो क्या होगा? टेन थीटा। वो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा हमारा लंब अपॉन में आधार। यानी कि परपेंडिकुलर अपोन में बेस बराबर क्या होगा? बी सी अपोन में ए बी, ठीक है। और टेन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? देखिए साइन थीटा अपोन कॉस थीटा, यानी कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्या आता है वो देखिए कि टेन थीटा है वो बराबर हो जाएगा कि साइन थीटा अपोन में कॉस थीटा। जैसे पी अपॉन एच अपॉन में बी अपॉन एच, ठीक है। लिया ना ये चीज़ मैंने। अब एच से एच कट गया तो क्या बचा? पी अपॉन बी, ये पी अपॉन बी, ये पी अपॉन बी। यहाँ पे समझ में आया ना आपको? ठीक है। अब इसके बाद में ये तीन चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको ये तीनों चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये चीज़ हम याद करके चलेंगे ना तो हमारे आधे से ज़्यादा चीज़ यहीं पे सोल्व हो जाती है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और चीज़ है, वो चीज़ देखिए आप। साइन थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया था कि पी अपॉन एच। अब क्या होता है कि साइन थीटा का अपोजिट क्या है? देखिए कि वन अपॉन साइन थीटा, वो बराबर क्या हो गया? एच अपॉन पी। अब एच अपॉन पी है तो इसको हम एक नाम और दिया गया हमें, ये दिया गया है कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया? वन अपॉन साइन थीटा के, और वन अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा के, ठीक है ना। अब कोस थीटा क्या है हमारा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब क्या होगा यहाँ से? वन अपॉन कोस थीटा क्या होता है? यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, वो मेरा बराबर होगा सेक थीटा के, ठीक है। और तीसरा जो रूल है हमारा, तीसरा रूल यहीं पे इसको मिटोगे लिख लो, ठीक है। तो तीसरा हमारा रूल होगा वो क्या होगा? टेन थीटा वो बराबर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ से क्या आता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर दिया मैंने इसको, ये बराबर किसके है? वन अपॉन टेन थीटा, वो बराबर क्या होगा मेरा? कोट थीटा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना आपको? अब देखिए मैं इस रेशियोज़ को एक छोटे से फॉर्मूले में एक कन्वर्ट कर देता हूँ। देखिए कि लंब एल, लंब ए फॉर आधार और एल फॉर लंब, के फॉर करण, के फॉर करण, ए फॉर आधार, ठीक है। एक चीज़ तो ये। अब इसी चीज़ को मैं इंग्लिश की फॉर्म में परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई?
अब देखिए ये लंब अपॉन करण क्या बनाया था हमने, साइन थीटा, आधार अपॉन करण कोस थीटा, लंब अपॉन आधार टेन थीटा, ठीक है, और करण थीटा करण अपॉन में लंब क्या बनाया था, कोसेक थीटा, करण अपॉन में आधार सेक थीटा, आधार अपॉन में लंब कोट थीटा। इसी तरह से यहाँ पे इंग्लिश में परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस थीटा, परपेंडिकुलर ऑन बेस टेन थीटा, और इनके अपोजिट ये कोसेक थीटा, कोस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा। ठीक है, इन्हें याद रखने का तरीका क्या है, देखो साइन, साइन के बाद में फिर कोसेक, उल्टा कोस का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। ठीक है, ये चीज़ साइन थीटा कोस थीटा, कोसेक थीटा कोस थीटा, सेकेंड थीटा टेन थीटा कोट थीटा। ठीक है, यहाँ से ये रूल है, आप चाहे तो इसे याद कर लीजिए, लाल अपॉन कक्का, या फिर इसे परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, कोई भी याद कर सकते हैं आप, यहाँ से ही फॉर्मूले निकलेंगे। ये आ गए हमारे रेशियोज, इसके बाद में हम क्या करते हैं, देखिए एक ये ट्रेंगल है, मैं इस साइड यहाँ पर बना देता हूँ, बी ए सी, ये 90 डिग्री है हमारा। अब देखिए हमने ये रूप पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर पढ़ा है ना, ये चीज़ हमें। अब इसी से हम एक फॉर्मूले और क्रिएट कर रहे हैं, जो कि फॉर्मूले हमारे पास यूज़ होते हैं, बेसिक फॉर्मूले। हम हाइपोटेनियस को पूरी इक्वेशन से हाइपोटेनियस से डिवाइड कर देता हूँ, देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखिए पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस में बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये चीज़ समझ में आई ना आपको? अब पी अपॉन एच क्या था, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या था कोस थीटा, उसका स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन के आ गया, ये चीज़ जो कि बेसिक फॉर्मूला है और बहुत ज़्यादा यूजेबल है। अब इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा आगे एक फॉर्मूले तैयार होंगे। अब देखिए इस चीज़ को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे निकाल रहा हूँ मैं इस इक्वेशन को साइन थीटा से डिवाइड करूँगा, क्या हो गया मेरा, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में, सॉरी यहाँ पर साइन थीटा है, साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं ना, साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर कट रहा है, ठीक है, क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा, यानी कि कोस अपॉन साइन उसका स्क्वेयर। अब साइन अपॉन में कोस मैंने आपको बताया टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, यानी कि कोट थीटा का स्क्वायर। समझ में आ गया ना आपको ये, या बता दूं मैं आपको, यानी कि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इसका स्क्वायर। मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और अब इसका क्या है, उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वेयर थीटा। ये नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा 2 नंबर। तीसरा फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, इसको मैं कोस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि साइन थीटा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन में कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा। अब ये क्या हो गया मेरा टेन स्क्वेयर थीटा, समझ में आया ना, टेन स्क्वेयर थीटा कोस से कोस कट गया प्लस में 1 इक्वल टू ये सेक स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर अपोजिट में है 1 अपॉन कोस स्क्वेयर सेक थीटा। ये एक फॉर्मूला यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला आ गया। अब तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूजेबल है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं के फॉर्मूले पर बेस्ड है, इन्हीं से हम आगे फॉर्मूले बनाएंगे जो कि आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए
इससे हम थोड़ा और फॉर्मूला यहाँ से इससे क्रिएट कर दूँ मैं। ये फॉर्मूला है हमारा, अब यहाँ से देखिए कि वन है ये कोस थीटा, में स्टेट ले जाऊँगा तो मेरा साइन थीटा किसके बराबर हो गया, यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा इक्व टू वन है, ये चीज़ लिख दी ना मैंने ऊपर। अब देखिए कि मैं एक चीज़ को दूसरी साइड ले जाता हूँ, यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा इक्व टू वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है ना, ये कोस स्क्वेयर इस साइड चले गया और कोस स्क्वेयर थीटा है वो मेरा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये फॉर्मूले इससे बन गए, ठीक है। अब इससे जो फॉर्मूले बन रहे वो देखिए, वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इक्व टू कोसेक स्क्वेयर थीटा, ये है। अब देखिए ये इस साइड आ गया तो वन बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा, यहाँ से ये चीज़ आ गई। अब देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या हो गया, वन बराबर कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा और इंटू में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा, ये चीज़ क्या हुई है, इस ये बराबर क्या हो गया मेरा ए स्क्वेयर, ये मेरा बराबर हो गया बी स्क्वेयर। अब मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वेयर है वो मैंने ओपन कर लिया, क्या हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया इसका, और यहाँ से ये चीज़ आ गई ना आपकी दूसरा फॉर्मूला, दूसरे जो जिससे फॉर्मूले बन रहे हैं वो चीज़। अब तीसरी चीज़ यानी कि टेन स्क्वेयर थीटा प्लस में वन इक्व टू सेक स्क्वेयर थीटा। अब देखिए वन बराबर क्या हो गया मेरा, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस में टेन स्क्वेयर थीटा, यहाँ से चीज़ समझ में आई, ये टेन स्क्वेयर इस साइड आ गया तो यहाँ से क्या हो गया, वही ए ये ए स्क्वेयर हो गया, ये बी स्क्वेयर हो गया, वन बराबर सेक स्क्वेयर थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला इसके आ गया, ठीक है ना, यहाँ से ये फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए, ये फॉर्मूले में यूजेबल होंगे। अब देखते हैं आगे इससे, ये याद कर लेना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं आप मार ना खा जाए इनके बिना। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ कि साइन थीटा है वो बराबर होता है पी अपॉन में एच, और कोस थीटा बराबर होता है बी अपॉन में एच, और टेन थीटा होता है वो बराबर होता है पी अपॉन में बी। अब देखिए एक ट्रेंगल के अंदर हाइपोटेनिस हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेनिस है वो हमेशा बड़ी साइड होगी, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी है पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इक्व टू एच स्क्वेयर, ये चीज़ पढ़ी है हमने, ये चीज़ पढ़ी है, तो यहाँ से क्या आता है कि p हमेशा h से छोटा होगा, p h से छोटा होगा, यानी कि p ऑलवेज लेस देन h, तो यहाँ से क्या मीनिंग आया हमारा कि साइन थीटा है वो कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता, ऑलवेज साइन थीटा है वो ऑलवेज लेस देन होगा वन से, ये बराबर भी हो सकता है, क्योंकि p बराबर h हो सकता है कब हो सकता है, जब ये एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है, ये भी बी भी हमेशा एच से छोटा होता है, इसलिए क्या होगा कोस थीटा है वो भी वन के बराबर या वन से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा कभी भी, और टेन थीटा ये वैल्यू पी और बी के बीच में रिलेशन देती है हमें, पी और बी के बीच में रिलेशन देती है, तो यानी कि पी बी से बड़ा भी हो सकता है, उसे छोटा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, यानी कि इसके बारे में ये इन्फिनिटी तक हो सकता है, टेन थीटा है वो, यानी कि पी और बी के बीच में हम कुछ नहीं कह सकते, बड़ा भी हो सकता है पी, छोटा भी हो सकता है बी से, बराबर भी हो सकता है बी से, ये तीनों चीज़ आती है इससे, ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ इन्फिनिटी तक भी जा सकती है, कहीं तक भी जा सकती है, जीरो तक भी जा सकती है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक बीच में इसमें केस होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़, ये हमारा क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है प्लस का, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस वाई होता है, ये प्लस वाई होता है,
ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंदर मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको, इसके अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल, यानी साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये जीरो होता है, यहाँ से इस साइड ये माइनस वन होगा, इस साइड ये माइनस वन होगा, ये प्लस वन, ये प्लस वन। अब देखिए इस साइड प्लस है सभी, इस साइड भी प्लस है, तो यानी कि कोई भी मैं एंगल बनाऊंगा थीटा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ये अपॉन में ये, या ये अपॉन में ये अपॉन में ये, कोई भी चीज़ लूंगा पॉजिटिव ही आएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की, इसकी, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ तो नेगेटिव होगी ना मेरी, अब ये चीज़ यानी कि हमारा आधार यानी कि बेस नेगेटिव हो गया, और ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव ही काउंट करेंगे हम, क्योंकि स्क्वायर में होगा ना उस हिसाब से। अब देखिए कि ये नेगेटिव है जहाँ पर आधार आता है, आधार किसके अंदर आता है, एक तो देखिए टेन थीटा होता है वो बराबर किसका होता है, पी अपॉन बी, कोस थीटा बराबर क्या हो गया, बी अपॉन एच, और साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी अपॉन में एच। अब देखिए बी इसके अंदर आया और इसके अंदर आया, दोनों के अंदर आया ना, तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है ना, यानी कि इनका अपोजिट भी, सिक थीटा भी और कोट थीटा भी, ये दोनों नेगेटिव होंगे, यानी कि साइन थीटा के अंदर बी तो आया ही नहीं, ऑफ कोर्स बी नहीं आया तो ये क्या होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा यहाँ पर, ठीक है, साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं हम इसकी, इस क्वाड्रेंट की, इस क्वाड्रेंट में देखिए ये भी नेगेटिव है थीटा, ये थीटा है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। अब दोनों जिसके अंदर आ रहे हैं, माइनस और माइनस दोनों चीज़ आ रही है, तो यानी कि साइन थीटा ये नेगेटिव हो गया, ये बी भी नेगेटिव हो गया, और एच तो पॉजिटिव है हमारा। अब देखिए दोनों चीज़ नेगेटिव आ रही है, इसके अंदर दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव से नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे टेन थीटा हमारा वो पॉजिटिव होगा, टेन थीटा और कोट थीटा। अब देखिए इसके अंदर ये चीज़ है, ये पॉजिटिव है हमारी, ये नेगेटिव है, ये थीटा हो गया, तो ये चीज़ क्या है मेरी, आधार है, ये क्या हो गया मेरा, लंब है। अब यहाँ पर लंब क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे देखिए लंब नेगेटिव है, यानी परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, आधार भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो यानी कि क्या हो गया, कोस थीटा हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको असाइन करने वाली चीज़ें, देखिए इसको मानते हैं 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल, यहाँ से ये परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, 90 डिग्री, फिर यहाँ से ये चीज़ 180 डिग्री, फिर ये 270 और फिर 360, इस तरह चलता है, ठीक है। अब चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कौन सा कहाँ पॉजिटिव होता है, ऑल, साइन थीटा, टेन थीटा और कोस थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक थोड़ी सी याद करने की ट्रिक है, ऑल स्कूल गो टू कॉलेज, ठीक है, ऑल पहला, स्कूल दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें हम इसको कुछ काउंट नहीं करते, ठीक है, ये चीज़ हम याद रखने की कोशिश करेंगे, ऑल स्कूल गो टू कॉलेज, यानी कि ऑल पहला, स्कूल साइन थीटा, टी फॉर टेन थीटा, सी फॉर कोस थीटा, ठीक है, यहाँ से ये चीज़। अब क्या होता है कि एंगल चेंजेस का मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है कैसे नहीं होता। देखिए ये चीज़ है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है, 0, 90, 180 और 270। वाई एक्सिस पर हमारे जो भी है वो चीज़ चेंजेस करेंगे, वाई एक्सिस यानी 90 और 270 पे चेंजेस होंगे, और एक्स एक्सिस पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। कैसे नहीं होता, देखिए कि साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है वो बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा के, इसी तरह से
कोस थीटा बराबर क्या होता है 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ से आई है, इस तरह के फॉर्मूले कहाँ से आते हैं वो मैं बताता हूँ। देखिए थीटा ये है, ये कितना हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। अब मैं यहाँ से एक ऐसी खींच दी मैंने, ये ले लिया मैंने अल्फा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया मेरा थीटा हो गया ना, समझ गए आप, क्योंकि ये पूरा पूरा एंगल 90 होगा, ये पूरा 90 एंगल लिया मैंने, ये 90 लिया है क्योंकि सेम बनाया मैंने, तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया मेरा 90 माइनस थीटा। और इसको मैं अल्फ़ा मान रहा हूँ कि इसमें काउंट कर रहा हूँ दूसरी बार, पहली बार तो इसके लिए काउंट कर रहा था जो स्टार्टिंग में साइन थीटा कोस थीटा सभी के लिए पॉजिटिव था, अब दूसरे क्वाड्रेंट में गया तो क्या हो गया कि ये अल्फ़ा माना मैंने, ये अल्फ़ा माना तो क्या हो गया मेरा थीटा ये हो गया, यानी कि पहले थीटा ये था अब ये थीटा हो गया, अब ये थीटा हो गया तो इसके लिए क्या है चेंज हो गए, ये क्या हो गया, ये आधार था हमारा, लेकिन अब थीटा के हिसाब से तो ये करण सॉरी लंब है, ये लंब है, तो यानी कि जो हम पहले कोस थीटा निकाल रहे थे, यानी कि जो कोस थीटा निकाल रहे थे वो हमारा साइन थीटा हो गया इसमें, यानी कि इसके अंदर जो साइन थीटा आ रहा है हमारा वो इसके अंदर कोस थीटा आएगा, समझ गए ना, ठीक है। यहाँ से अब देखिए कि यहाँ से वैल्यू चेंज हो रही है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि साइन थीटा है वो कोस थीटा में चेंज होगा, ठीक है, जो टेन थीटा है वो कोट थीटा के अंदर चेंज होगा, और जो हमारा सेक थीटा है वो हमारा टेन थीटा में चेंज होगा, सॉरी कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से ये तीनों चेंजेस होंगे, ये सिर्फ कम हो गए 90 और 270 पे, 90 270 पे। अब देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको कि कोस अगर हम नेगेटिव में चलते हैं इस साइड से, यानी थीटा इस साइड से काउंट करने स्टार्ट कर दें, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है लेकिन इसमें नेगेटिव है, ठीक है ना। अब कोस क्या है, कोस माइनस थीटा वो क्या होगा कोस थीटा होगा पॉजिटिव, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं इस पे आ रहे हैं, माइनस थीटा किस में आ गया, माइनस थीटा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है वो, अब यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया तो कोस थीटा इसमें पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव है बाकी सारे इसमें नेगेटिव है तो इसमें सारे ये नेगेटिव रहेंगे, बाकी सारे कोस है कोस और सीकेंड वो पॉजिटिव होंगे बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको ये चीज़, ये चीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आई, यहाँ से अगर मैं टेन थीटा लेता हूँ टेन माइनस थीटा वो भी माइनस टेन थीटा ही होगा, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीज़ें हमें भी कब ये नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा ये चीज़ हम देखते रहते हैं। अब आगे चलते हैं वैल्यूज़ के लिए, अब वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं हम, वैल्यूज़ देखिए साइन थीटा, मैं तीन चीज़ों की वैल्यू बताऊंगा आपको, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। इसके लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट यानी कि एक टेबल बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ कहाँ से क्या चीज़ होती है। जीरो 30 45 60 और 90, ठीक है, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा यूजेबल है और ये चीज़ें हमें याद भी रखनी पड़ेंगी। किस तरह से होती है, 0 1 2 3 4 ये चीज़ लिख ली हमने, डिवाइड बाय 4 0 बाई 4 0 बाई 4 1 बाई 4 2 बाई 4 3 बाई 4 4 बाई 4 ये चीज़ें कर ली, उसका रूट ले लो, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, 0, यहाँ पर 1 बाई रूट 2, यहाँ पर सॉरी 1 बाई 2 आया, रूट 2 नहीं आया, ये 1 बाई 2 आया, यहाँ पर 1 बाई रूट 2, यहाँ पर क्या आया रूट 3 बाई 2 और ये 1, ठीक है, ये चीज़ आई। अब इस चीज़ों को पलट दो, कैसे,
जो 90 के लिए वैल्यू है वो कोस थीटा 0 के लिए होगा 1, फिर ये 60 है तो ये 30 के लिए रूट 3 बाई 2, और ये 45 के लिए सेम की सेम, और ये यहाँ पर 1 बाई 2 और ये 0। समझ में आ गया ना ये चीज़ भी कैसे पलटी गई है, क्योंकि कोस थीटा होता है वो 90 से अपोजिट चलता है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, 0/1 क्या हो गया 0, ये 1/2 कितना हो गया 1/√3, ये कितना हो गया 1, अब इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा क्या हो गया √3, और 1/0 क्या हो गया अनडिफाइंड। ठीक है ये चीज़। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि कोट थीटा आपको पता है कि टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये चीज़ क्या हो गया 0 है, 0 को 1/0 करूँगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको पलटूंगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, इसको 1, इसको 1/√3, और ये क्या हो गया पलटूंगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से फिर अगली चीज़, कोसेक थीटा। अब मैं कोसेक थीटा निकाल रहा हूँ, कोसेक थीटा कैसे आएगा देखिए, इसका अपोजिट होता है ना, तो ये क्या हो गया 0 है तो ये क्या हो गया इन्फिनिटी, ये 1/2 है 2 हो गया, ये कितना है √2, ये कितना है 2/√3, और ये 1 1। ठीक है, इसी तरह से आप सेक थीटा वो भी निकाल सकते हैं और निकाल लीजिए। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं सोल्व, बहुत इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। आपको बस ये चीज़ बनानी आनी चाहिए, कम से कम इसकी 10 बार प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली वे में याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। अब आप मेरे को ये कोसेक है इसका सेक भी निकाल के दिखाइए, सेक थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाइए। ठीक है, और अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, देखिए कैसे कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमें, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है मेरा ये। अगर सपोज कीजिए साइन थीटा बराबर दे रखा है 3/5, और पूछ लिया हमसे कोस थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर दे दिया 3/5, साइन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये एक ट्रेंगल है हमारी जिसमें परपेंडिकुलर क्या है 3 होगा, हाइपोटेनियस 5 होगा, तो ये 3 होगा परपेंडिकुलर, ये एंगल मान लिया मैंने थीटा, थीटा मान लिया, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है बी के सामने की साइड 5। अब मैंने आपको बताया था एक चीज़, एक ये रूल होता है पी स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इक्वल टू एच स्क्वेयर, अब यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल लूँगा, बी की वैल्यू क्या आएगी एच स्क्वेयर कितना हो गया मैं 25 माइनस पी स्क्वेयर इसकी साइड आ जाएगा कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 16 का रूट, बराबर हो गया मेरा बी बराबर हो गया 4, यानी कि ये साइड मेरी आ गई 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखिए ये 4 आ गई तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा हमारा होता है आधार अपॉन में करण, आधार क्या है हमारा 4 और करण क्या है हमारा 5, ये कोस थीटा हो गया। यहाँ से समझ में आया ना आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो, आपको बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगाना है, और यहाँ से देखिए अब कुछ भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से उसने मान लो टेन थीटा पूछ लिया 3/4, यानी कि क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर 3 बेस हमारा 4, उसने पूछ लिया कोट थीटा बराबर क्या हो गया इसका अपोजिट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर बराबर हो गया 4/3। सेक थीटा पूछ लिया, सेक थीटा पूछ लिया, सेक थीटा क्या होता है इसका उल्टा, यानी कि 5/4, और कोसेक थीटा इसका उल्टा 5/3। कुछ भी निकाल सकते हैं ना बहुत इजीली वे में, अब यही क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, वही आपको आगे करवाए जाएंगे। ठीक है, आज जितना बेसिक मैंने करवाया है उसे अच्छी तरह से करिएगा और अगले लेक्चर की प्रतीक्षा कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा चैनल ज्ञान क्लब के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर मेरा एक पेज है ज्ञान क्लब के नाम से, उसे भी लाइक कीजिए ताकि आपको कुछ भी नया टॉपिक
मिल सके और आने वाले हर लेक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।